दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक कस्टडी में रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि गिरफ्तार किए गए थे, ईडी की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब उन्हें 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले को लेकर हालांकि सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासत से इतर कोर्ट अपने कानूनों पर काम करता है और जेल में ही स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, ये बात साफ हो गई, क्योंकि 9 जून तक सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में रहना होगा। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? मोहित, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कुछ सवाल प्लीज। जी मोहित, क्या ज्यादा जानकारी, 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा सत्येंद्र जैन को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने पहले ही दावा किया था और ये बता रहे थे कि जो सत्येंद्र जैन है वो उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड मांगी जाएगी। ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई और कोर्ट ने करीब 9 दिन की रिमांड दी है और अब सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ होगी किस तरीके से शेल कंपनीज बनाई गई हैं और किस तरीके से जो हवाला का पैसा है वो कैसे आया है और कोलकाता की जो कंपनी है जिसने पैसा ट्रांसफर किया है वो कौन है, उनसे कैसे लिंक है, इनके परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई, ये सभी जानकारियां जो है अब सत्येंद्र जैन से ईडी जो है वो एक एक करके पूछेंगी। हालांकि सत्येंद्र जैन के वकील ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने 9 दिन की जो रिमांड है वो अब ईडी को दी है। जी ठीक है, गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप कोर्ट में किस तरीके से ईडी की ओर से पक्ष रखा गया है, कौन कौन से बिंदुओं पर कोर्ट ने आगे एक्सटेंशन की मांग की थी रिमांड को, और सत्येंद्र जैन के वकील के पास क्या कोई आधार था जिसके आधार पर वो बेल की एप्लीकेशन वहां पर रख पाए, क्या जानकारी आपके पास? गौरव आप सुन पा रहे हैं? गौरव आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए गौरव का एक बार फिर से रुख करेंगे, हो सकता है तकनीकी कोई दिक्कत हो, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी की कस्टडी में इसलिए रहना होगा क्योंकि कोर्ट ने यह बात तय कर दी है कि अभी ईडी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ये बात समझने वाली है कि ईडी ने आखिर कौन कौन सी चीजें कोर्ट के सामने रखी हैं जिसके आधार पर यह कस्टडी जो है वो दी गई है ईडी को। कल ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद आज उन्हें ईडी ने कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उन्हें कस्टडी में रखा गया है। मोहित ओम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, किन बातों को लेकर कोर्ट के अंदर सत्येंद्र जैन के कस्टडी की मांग की गई थी, क्या क्या ऐसे साक्ष्य मिले, किन बातों को ईडी की ओर से कोर्ट में रखा गया, क्या जानकारी? देखिए अलग अलग आदेशों का हवाला देते हुए तुषार मेहता ने दलील दे रहे थे कि 14 दिन की कस्टडी क्यों मांगी गई है और क्यों, और उन्होंने बोला था कि 9 से 10 साल ये मामला चला है और ये इसकी जो पूरा नेचर है इस मामले का बेहद गंभीर है, इसलिए हमें 14 दिन की कस्टडी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 9 दिन की कस्टडी दी है, लेकिन जो पूरे सबूत कोर्ट के ईडी के पास थे वो सभी सबूत जो है वो पेश किए गए और बताया गया कि हमें ये जरूरी क्यों है। हालांकि जैन के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि 2017 से मामला चल रहा है और हम लगातार सहयोग कर रहे हैं कोर्ट और ईडी की जांच में, हम किसी तरीके से छुपा नहीं रहे हैं कोई भी चीजें। लेकिन जब गिरफ्तार किया गया सत्येंद्र जैन को, जब उसके बाद जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी एक दिन, तो उनसे यही बोला गया कि वो बिल्कुल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है कोर्ट के अंदर जाके जो 14 दिन की कस्टडी है वो तुषार मेहता की तरफ से मांगी गई थी। फिलहाल अभी जो 9 दिन की कस्टडी मिली है उसमें कई तरीके की बातें जो है वो ईडी खंगालेगी और पूछताछ आपका रुख करेंगे। हमारे साथ गौरव जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कोर्टरूम में क्या हुआ, अब सत्येंद्र जैन को जब ईडी ने पेश किया तो कौन कौन सी बातें कोर्टरूम में अपने सामने रखी, और दूसरी तरफ तो सत्येंद्र जैन के जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जमानत उन्हें मिल जाए, तो उनकी ओर से क्या बातें रखी गई थी कोर्ट में? देखिए बिल्कुल काफी आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट इस शर्त पे हो रहा था कि खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो पेश हुए थे ईडी की तरफ से और उन्होंने कहा कि जिस तरह के सबूत हैं उन सबूतों को लगातार सत्येंद्र जैन नकार रहे हैं और ना ही कोई साफ साफ जवाब दे रहे हैं कि जो हवाला का रूट था वो क्या था, और ऐसे में ईडी को इस बात की पूरी सबूत है इस बात के कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है पिछले 9-10 साल से चल रही है और अभी भी जारी होगी। दूसरा ये कि हवाला रूट का जो इस्तेमाल किया गया, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है कि किस तरीके से इन्हीं के लोगों द्वारा जो है पैसा यहाँ से कोलकाता जो है रूट किया गया और कोलकाता से वापस सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई ही कंपनियों में वापस इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में जमीन खरीदने के लिए किया गया, कृषि भूमि खरीदने के लिए किया गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा बाद में बढ़ गई। दूसरा ये कि तमाम तथ्य रखे गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 2015 से 17 के बीच में सत्येंद्र जैन ने
तमाम चल अचल संपत्तियां जो हैं वो बनाई हैं मंत्री रहते हुए और अपने पद का दुरुपयोग किया है। हालांकि दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने यह कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है इस मामले में सभी डॉक्यूमेंट जो है वो मुहैया कराए गए हैं। साथ ही साथ दो बार सत्येंद्र जैन घर की पूरी छानबीन की गई है, उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्हें कस्टडी की नहीं बल्कि सीधे सीधे जमानत दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रोविजन 19 का के आधार पर सत्येंद्र जैन की 14 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे अभी 9 जून तक जो है स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दी है। और इस मामले में एक विशेष अपील जो है वो कस्टडी के आदेश के बाद की गई कि सत्येंद्र जैन को जब तक हिरासत में रखा जाए उन्हें जैन खाना जो है वो मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ उन्हें स्लीप मेनिया है उसकी जो दवाइयां हैं वो भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो इन बातों को जो है आपसे आगे भी जुड़ेंगे, तो इस मामले के तमाम तकनीकी बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।